नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह। पेपर हैकर चैनल पे आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन का फिजिक्स देखेंगे, जिसकी पहली यूनिट है वेक्टर एलजेब्रा। तो वेक्टर एलजेब्रा में हम क्वेश्चन वाइज सॉल्व करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर क्वांटिटीज एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज देखेंगे। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, इससे हमारा क्या तात्पर्य है, मतलब सदिश राशियों के अदिश गुणनफल को समझेंगे हम। तो सदिश राशियों के अदिश गुणनफल को हम समझेंगे, तो इसके लिए क्या होता है, दो सदिश राशियां लेंगे हम। दो सदिश राशियां हमने ले ली, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दो सदिश राशियां लेंगे हम, वेक्टर ए वेक्टर बी, जिनके बीच का एंगल ले लेंगे हम कोई भी। एंगल हमने थीटा ले लिया। अब ये दोनों राशियां हैं हमारी सदिश, और इनका अदिश गुणनफल देखेंगे। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल क्या होता है, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अदिश गुणनफल सदिश गुणनफल क्या होता है। अदिश गुणनफल क्या होता है हमारा, जिसमें डॉट प्रोडक्ट आता है, डॉट प्रोडक्ट। और सदिश गुणनफल होता है क्रॉस प्रोडक्ट से डिनोट, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस का साइन लगेगा, इसमें डॉट का साइन लगेगा। जैसे कि इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से, और इसको डिनोट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से। और जो क्रॉस है वो क्रॉस डायरेक्शन को डिनोट करेगा, जैसे कि वेक्टर ए की डायरेक्शन वेक्टर बी के रेस्पेक्ट में हम राइट हैंड वाले रूल से निकालेंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है, ये राइट हैंड है हमारा, और इससे हम स्क्रू की तरह इस तरह से, ये राइट हैंड रूल हो गया स्क्रू रूल, ये हम निकालेंगे, इससे डायरेक्शन निकलती है इसकी, तो इसलिए इसको सदिश गुणनफल कहते हैं। चलिए, लेकिन हमको देखना है अदिश गुणनफल, डिफरेंस समझ में आ गया होगा सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल का। हम देखेंगे सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। तो अदिश गुणनफल में हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज करना है। सदिश राशियां हमारी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, और दोनों का अदिश गुणनफल हम निकालेंगे। तो इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम कॉज्या लेते हैं दोनों की, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, यानी कि हम कॉस वाला कंपोनेंट लेते हैं, और जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है उसमें साइन वाला कंपोनेंट लेते हैं। डिफरेंस यही है दोनों में, उसमें परपेंडिकुलर होता है, आगे समझेंगे, इसमें हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट होता है। जैसे कि ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और ये एंगल है थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी कॉस थीटा। ये हो गया हमारा सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। और क्रॉस प्रोडक्ट में हम लंबवत जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, ये वाला, ये हम क्रॉस प्रोडक्ट में लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में हम लेते हैं ये वाला कंपोनेंट। डॉट प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, हमने ओरिजेंटल वाला कंपोनेंट ले लिया इसका, ए बी कॉस थीटा आ गया हमारा, क्योंकि ये जानते ही हैं सभी कि जब हम लाइन को थीटा, जिस बेस लाइन से जुड़ा होता है, जब उस पर हम इसको टिल्ट करते हैं, जब उस पर हम इसको पैरेलल लिटा देते हैं, तो वो जो कंपोनेंट होता है वो कॉस में आता है। लंबवत वाले में जिससे थीटा कनेक्ट नहीं होता है वो साइन में आता है।
तो उस हिसाब से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो गया हमारा ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर थीटा जो है वो ए बी के मध्य बना कोण है और इस गुणनफल को हम अदिश गुणनफल कहते हैं। इस गुणनफल के कुछ नियम होते हैं, अब वो नियम जान लीजिए क्या होते हैं, नियम हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि टू एकांक वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं सेम, जैसे आई डॉट आई, जैसे कि ये हमारा आई हो गया, जे हो गया, के हो गया, ये सुविधा के लिए हमने इस तरह से बना लिया है इनको तीनों को। तो जब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे सेम सेम का, आई डॉट आई वन होगा, एकांक वेक्टर जे डॉट एकांक वेक्टर जे वन होगा, यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर के वन होगा। यानी कि सेम राशियों का जो हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वो वन आता है, सेम राशियों का कितना आता है वन आएगा। अब ये जो नियम है इसका, इसका हम उपयोग करेंगे उसमें, जो हमने इक्वेशन निकाली है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए निकालें तो ये हमारा ए स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। लेट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तब इस केस में हमारा ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस थीटा। अब यहां पे चूंकि हम थीटा इक्वल टू ले लें जीरो डिग्री, दोनों के बीच का एंगल हमने जीरो डिग्री मान लिया, तो ये हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो जाएगा ए स्क्वायर, बिकॉज कॉस जीरो की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया। तो एक नियम ये भी आ गया हमारा, इसमें कुछ रूल होते हैं इसके, तो रूल ये हो गए, एक रूल ये हो गया, एक ये भी हो गया कि सेम वेक्टर का जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, एक रूल ये हो गया। यहां तक क्लियर है, लेकिन इसमें दूसरा रूल एक और भी है कि अगर हम वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे करेंगे तो जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जीरो। वेक्टर जे डॉट वेक्टर के करेंगे तब भी क्या हो जाएगा जीरो, और वेक्टर के डॉट वेक्टर आई करेंगे तब भी क्या हो जाएगा जीरो। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, ये हमारा सेकंड रूल हो गया, ये हमारा सेकंड रूल हो गया। डॉट प्रोडक्ट के रूल हैं ये, किसके रूल चल रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट के रूल, डॉट प्रोडक्ट के रूल हैं ये। तो हमारा ये जीरो हो जाएगा जब हमारी दोनों राशि, दोनों जो वेक्टर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा जीरो। लेकिन जब सेम का हम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो क्या आ जाता है, वन आ जाता है। इतना क्लियर हुआ, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो में कि वेक्टर ए जो होता है हमारा, जैसे कि हमारा ये डायग्राम है और ये हमने वेक्टर ए ले लिया, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन हो गई, और इसके जो कंपोनेंट हैं, इसके जो कोऑर्डिनेट हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट ए एक्स कॉमा ए वाई कॉमा ए जेड होते हैं, क्योंकि ये तीनों डायरेक्शन को मिला के कंपोनेंट जो कोऑर्डिनेट हैं वो निकाले जाते हैं। क्योंकि ये किस तरह से होता है, ये कुछ इस तरह से होता है जेड, और जो वेक्टर ए है वो यहाँ पे होता है वाई
एक्स जेड, वेक्टर ए बीच में यहां होगा तो वो तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में, तो तीनों के हमारे आ जाते हैं ए एक्स ए वाई ए जेड, इसीलिए वेक्टर ए इक्वल टू होता है हमारा ए एक्स आई, सॉरी जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख लेती, तो वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा हमारा ए एक्स आई कैप ए वाई, सॉरी ए वाई जे कैप, और प्लस का हो जाएगा हमारा ए जेड के कैप, क्योंकि हमने तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो मान रखे हैं वो आई जे के मान रखे हैं। वैसे भी हम मानते हैं एक्स के लिए हमारा यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई के लिए जे होता है, और जेड के लिए यूनिट वेक्टर हम के लेते हैं, तो तीनों डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के साथ में हम कोऑर्डिनेट लेंगे जो वेक्टर ए को डिनोट करेंगे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो इस तरह से हमारा ये वेक्टर ए निकल आता है आई जे के की फॉर्म में, और सेम इसी तरह से हम निकालते हैं वेक्टर वी, बी एक्स आई कैप प्लस का बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। तो दोस्तों इस तरह से दोनों जो वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने आई जे के की फॉर्म में निकाल लिए। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। हमने क्यों निकाले आई जे के की फॉर्म में, क्योंकि हमारे डॉट प्रोडक्ट में ये वाले रूल अप्लाई हमको करने हैं, और ये रूल अप्लाई करने के लिए हमको इनको आई जे के की फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर के साथ हम इनको डिनोट करेंगे तभी हम डॉट प्रोडक्ट के रूल का पालन कर पाएंगे इसमें। तो अब हम निकालेंगे ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस का ए जेड के कैप, वेक्टर ए हो गया, और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस का बी जेड के कैप। हम इसका विस्तार से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ए एक्स और बी एक्स के साथ में क्या आएगा, हम मल्टीपल करेंगे सबकी, तो ए एक्स बी एक्स के साथ में हमारा आएगा आई डॉट आई, फिर हम ए एक्स की मल्टीपल करेंगे बी वाई से, हम बारी बारी से करेंगे, पहले इसकी मल्टीपल इससे 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 करते हैं, फिर हमारा ए एक्स आई जो है उसका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे बी वाई जे के साथ, क्योंकि बच्चों हम ये जानते हैं कि वेक्टर आई और जे का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो बन जाता है, आई और जे यहां से देखिए वेक्टर आई डॉट जे क्या बन जाता है, जीरो, तो इस तरह के सभी कंपोनेंट क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, तो इस पे ध्यान रखना, इस तरह के सभी कंपोनेंट जीरो बन जाएंगे, इसलिए हम इसको ए एक्स बी वाई आई डॉट जे लिख दे रहे हैं, और प्लस का हमारा आ जाएगा ए एक्स बी जेड आई डॉट के, ये भी हमारा जीरो हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा वन, ये हो जाएगा जीरो, और ये भी हो जाएगा जीरो। तो जब इस तरह के कंपोनेंट सब जीरो हो ही जाएंगे तो क्यों ना हम बस केवल इन्हीं वाले कंपोनेंट्स को लिख लें डायरेक्ट, वो तो ऑलरेडी जीरो होने हैं, ए वाई का जे के साथ आई वाला जीरो होगा, के वाला जीरो होगा, ए जेड का के वाला आई के साथ जीरो होगा, और जे के साथ जीरो होगा, केवल के का के वाला बचेगा, तो हम इसको शॉर्टकट में लिख ले रहे हैं, प्लस आगे का ना लिख के हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं इसको ए एक्स और बी एक्स आई डॉट आई प्लस का ए वाई बी वाई जे डॉट
डी वाई जे डॉट जे प्लस का ए जेड बी जेड के डॉट के, ये हमारा आसान हो गया अब सॉल्व करना। तो इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यू वन हो जाएगी, डॉट प्रोडक्ट के रूल से। तो ये क्या बन जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस का ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आया, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। तो अगर हम दोस्तों वेक्टर ए को लेट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी मान लें, अगर हम वेक्टर ए को वेक्टर बी के इक्वल मान लें तो हमारे कोऑर्डिनेट भी इक्वल हो जाएंगे, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स हो जाएगा, ए वाई इक्वल टू बी वाई हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट भी हमारे सब क्या हो जाएंगे इक्वल। कोऑर्डिनेट जब हमारे इक्वल हो जाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स ए एक्स प्लस का ए वाई प्लस का ए जेड। और ये हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फाइनली हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस का ए वाई का स्क्वायर प्लस का ए जेड का स्क्वायर। फाइनल इक्वेशन हमारी ये मिल जाएगी, जिसका मतलब है कि वेक्टर ए डॉट ए सेम वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पर कितना वो एक्स डायरेक्शन में चला उसका स्क्वायर, कितना वो वाई डायरेक्शन में है उसका स्क्वायर, कितना वो जेड डायरेक्शन में है उसका स्क्वायर, जब उसको तीनों का तीनों डायरेक्शन के स्क्वायर करके डिस्टेंस का जोड़ देते हैं तो वेट उसका डॉट प्रोडक्ट निकल आता है। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए डॉट ए इक्वल टू ए का स्क्वायर, जो कि हम पहले देख चुके हैं जब हम नियम डिस्कस कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट के, फर्स्ट नियम बताया था उस समय हमने ये देखा था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर कैसे हुआ था। तो इतना क्लियर है, ये हमारा क्लियर हो गया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, स्केलर प्रोडक्ट है ये, अदिश प्रोडक्ट मतलब इसमें दिशा नहीं है, अदिश प्रोडक्ट है ये किसका, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज का है, लेकिन है वेक्टर ही, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अब हम देखेंगे इसके फिजिकल एप्लीकेशन, सेकंड पार्ट इसका है फिजिकल एप्लीकेशन। तो इसके जो फिजिकल एप्लीकेशन है, किसके फिजिकल एप्लीकेशन, डॉट प्रोडक्ट के, किसकी बात चल रही है, डॉट प्रोडक्ट की बात चल रही है, तो फिजिकल एप्लीकेशन भी इसी के देखेंगे। और फिजिकल एप्लीकेशन में सबसे पहले हमारा इजी एग्जांपल है बहुत ज्यादा फोर्स का, ये लेते हैं अमूमन हम हर चीज को फोर्स के एग्जांपल से इजीली समझ लेते हैं, तो फोर्स के एग्जांपल से ही हम इसको समझेंगे। हमने मान लिया एक पॉइंट पर फोर्स एफ लग रहा है, फोर्स वेक्टर की फॉर्म में लग रहा है, थीटा एंगल पर है लग रहा है, और डिस्टेंस पे कितनी लग रहा है, मान लिया हमने इसने डी डिस्प्लेस कर दिया किसी कंपोनेंट को, किसी कंपोनेंट को फोर्स एफ वेक्टर की फॉर्म में जब लगा तो उसने डी डिस्प्लेस कर दिया किस एंगल पर, थीटा एंगल पर। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट इसमें अप्लाई करेंगे, वही इसका क्या कहलाएगा, फिजिकल एप्लीकेशन।
तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन जो होता है वो भी दो हमने वेक्टर ले लिए, वेक्टर हमारे दो यहां से मिल ही गए, वेक्टर एफ हो गया एंड डी हो गया। एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स हो गया। डी क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस मान सकते हो, डिस्प्लेसमेंट हुआ था डी, तो ये आ गया। अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू वर्क निकाल लेंगे हम, कितना वर्क हुआ, वर्क डन, इस काम को करने में इतना सब करने में वर्क डन कितना हुआ, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क इक्वल टू F, कितना होता है वर्क डन, एक तो हमारा F cos थीटा, यानी कि इस F को, इस वाले कंपोनेंट F को हम जब इस पे इसके हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट के सापेक्ष में जब हम फोर्स को लेंगे तो कॉस वाले फॉर्म में आएगा ये, क्योंकि ये इसके थीटा एंगल से अटैच है, तो ये जब थीटा एंगल से अटैच है कॉस फॉर्म में आ जाएगा। ये तो हम ट्रिगोनोमेट्री में भी पढ़ते हैं और अब तक कई बार पढ़ चुके हैं। एफ कॉस थीटा आएगा, एफ कॉस थीटा के साथ क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यानी कि बल का विस्थापन की दशा में घटक, ये क्या है, बल का विस्थापन की दिशा में घटक, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, एफ कॉस थीटा, और उसके साथ क्या मल्टीपल किया हमने, डिस्प्लेसमेंट, क्या मल्टीपल किया, डिस्प्लेसमेंट, जिससे कि हमारा क्या निकल आएगा, वर्क डन, वर्क डन हमारा निकल आया। जब वर्क डन निकल आया, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है, ये क्या है हमारा जनरल फॉर्मूला फिजिक्स का, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट मत ढूंढने लगना, ये जनरल फॉर्मूला है फिजिक्स का। इसमें अब हम अप्लाई करेंगे एप्लीकेशंस, तो अब हम एप्लीकेशंस अप्लाई करेंगे, तो W इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, फोर्स F cos थीटा और D, थीटा इक्वल टू हम ले रहे हैं 0 degree, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, थीटा जब 0 लेंगे तो यहां से cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमारा ये वर्क डन हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, इस तरह से वर्क डन हमारा निकल आएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, वेक्टर की फॉर्म में हम इसको ले लेंगे, एफ कॉस थीटा इंटू डी था हमारा, थीटा हमने 0 degree मान लिया, थीटा 0 degree हमने सिर्फ आसानी के लिए माना है, क्योंकि हम एंगल वेरी कर सकते हैं, चाहो तो 90 भी ले सकते हैं, कितना भी थीटा भी रख सकते हैं, लेकिन इजीली एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए हमने 0 degree ले लिया, जिससे कि हम एप्लीकेशन का इजीली अप्लाई जो है वो देख सकें किस तरह से ये अप्लाई हो रहा है। एफ डी कॉस थीटा ले लेंगे हम, तो ये आ गया हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे हमारा मिल जाएगा वर्क डन, हमें पता लग जाएगा इससे, वेक्टर फॉर्म में हम इसका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं आई जे के वाले रूल लगा के, जैसे कि एफ दे रखा है, जैसे कि एफ दे रखा है 3i प्लस का 2j प्लस का k, और डी दे रखा है वेक्टर फॉर्म में 2i प्लस का j माइनस का k, तो इजीली हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये कब दे रखा होता है, जब फोर्स 3 dimensional में लग रहा हो, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लग रहा हो, अमूमन हम फिजिक्स में जब कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स को ले लेते हैं 30 newton या वो, तो वो एक डायरेक्शन में लेते हैं, लेकिन जब 3 dimensional लगता है तब हम वेक्टर का रूल अप्लाई करते हैं डॉट प्रोडक्ट वाला, और डॉट प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करने के लिए हम इस तरह से वेक्टर फॉर्म में इसको लिखते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, पावर,
पावर निकाल लेंगे हम। पावर क्या होती है? शक्ति पी। पी होती है जो वर्कडन होता है, रेट ऑफ वर्कडन। क्या होती है पावर? रेट ऑफ वर्कडन। क्या होती है? रेट ऑफ वर्कडन को पावर बोलते हैं, वर्कडन। रेट ऑफ वर्कडन मतलब जो वर्क है वो टाइम के रेस्पेक्ट में जब किया जाता है तो वो पावर बन जाता है। क्या बन जाता है? पावर। पी इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में जब वर्क कर रहे हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम वर्क को लेते हैं तो वो हमारा पावर बन जाता है, शक्ति। यहाँ पे हम वर्क का फॉर्मूला पुट कर देंगे इसमें, इस वाली इक्वेशन से यहाँ पे, तो हमारा P इक्वल टू आ जाएगा D वेक्टर F डॉट वेक्टर D, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट के वेक्टर फॉर्म में लेना है हमें इसको, तो इस वजह से हम ये कर देंगे। ये क्या है हमारा P इक्वल टू, ये हमारा टाइम है। क्या है ये? टाइम। कंफ्यूजन मत कर लेना इससे, कंफ्यूज मत हो जाना कि ये डिस्प्लेसमेंट है और ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, क्लियर रखना है इसको। तो ये हमारा हो जाएगा D, ये हमारा हो जाएगा F, F हम बाहर ले लेंगे। D के साथ हम ले लेंगे डिस्टेंस वाला, डिस्प्लेसमेंट वाला, और T, और ये हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्या बन गया हमारा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन क्या बन गया? टाइम। और ये क्या बन जाता है हमारा? वेलोसिटी। क्या बन जाता है? वेलोसिटी। तो ये हमारा वेलोसिटी बन जाएगा, यानी कि हमारा ये हो जाएगा सॉरी पावर इक्वल टू एफ। एफ किस फॉर्म में आएगा हमारा? वेक्टर फॉर्म में। यहाँ भी हमको एफ किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में एफ लिखना है, वेक्टर एफ डॉट, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बी वेलोसिटी। इसको हम क्या लिख देंगे? वेलोसिटी। ये बन जाएगा हमारा पावर भी आ गई हमारी डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में। और हम क्या निकाल सकते हैं इसमें? लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएंगे हम। सेकंड इसका एप्लीकेशन देखेंगे, लॉ ऑफ कोसाइंस। लॉ ऑफ कोसाइंस लगाएंगे, कोज्या का नियम। किसका नियम है ये? कोज्या का नियम, यानी कि कॉस वाला नियम। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक हम त्रिभुज ले लेंगे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर ए और वेक्टर बी बना लेंगे। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन फॉर्म ऑफ ए ट्राइंगल। तो वेक्टर ए हमने ले लिया एट थीटा डिग्री, और वेक्टर हमने बी ले लिया थीटा डिग्री पे। वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी ले लिया हमने, इनका जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर सी वो वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम डॉट प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से हम लेंगे इसको। और किसका पढ़ रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं हम वेक्टर क्वांटिटीज का। तो ये वेक्टर हो गए हमारे वेक्टर ए वेक्टर बी, और इनका हम क्या निकालेंगे? स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से इसको हम ट्रीट करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट के हिसाब से हम ट्रीट करेंगे तो इसका जो परिणामी है वो कितना हो जाएगा? वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी, और दोनों ओर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे इसी में। वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी। इसको उससे कंफ्यूज मत कर जाना जो होता है वेक्टर ए टेल टू टेल, जब हम ऐड करते हैं इस तरह से तब हम जो परिणामी लेते हैं ये अलग है। वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर आर, तो वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होता है, ये अलग चीज है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? क्योंकि ये हमारा सिंपल एडिशन होता है वेक्टर का।
और ये हमारा एंगल पे लिए हुए वेक्टर हैं जिनका हमने रिटर्न निकाला है। जब हम क्या करेंगे बोथ साइड, हम क्या करेंगे बोथ साइड डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट बोथ साइड, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे, वेक्टर सी का वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे, वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी के साथ, दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे दोनों के साथ, लेफ्ट साइड का लेफ्ट वाले के, राइट साइड का राइट वाले के। अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट वाले रूल लगाएंगे हम इसमें। पहले हम इसको क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे, सी डॉट सी इक्वल टू कितना हो जाएगा वेक्टर का ए, इसकी हम मल्टीपल करेंगे डॉट वेक्टर ए माइनस का वेक्टर ए, पहले वेक्टर ए की करेंगे दोनों से, डॉट वेक्टर बी, अब हम करेंगे वेक्टर बी की, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। रूल याद कीजिए, इसके रूल क्या थे, वेक्टर आई डॉट वेक्टर आई इक्वल टू वन होता था, वेक्टर आई डॉट वेक्टर जे इक्वल टू जीरो, यानी कि डिफरेंट वालों के लिए जीरो हो जाता है, सेम वालों के लिए वन हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कितना हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ए स्क्वायर हो जाएगा। एक रूल और था यहाँ पे जो हमने पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर, और डिफरेंट वालों के लिए क्या होता था हमारा, जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था डिफरेंट वालों के लिए हमारा जीरो होता है, लेकिन वो किसमें होता है केवल आई जे के की फॉर्म में, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस का वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और प्लस का कितना हो जाएगा b का स्क्वायर। इतना समझ में आया, क्लियर है ये? तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b, ठीक है। क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो रूल का किसका पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस का, इसको भी हम लिख लेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कितना इजी है ये, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ये आ गया हमारा फाइनल। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, वी नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, इसमें डॉट प्रोडक्ट वाले केस में, डॉट प्रोडक्ट वाले केस में हमारा क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे, इसका वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी जो हमारा आया ए स्क्वायर और कितना था प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यहाँ पे हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जगह पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी कॉस थीटा। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। फाइनल हमारा एक्सप्रेशन क्या निकला, और वेक्टर सी, चूंकि वेक्टर सी डॉट सी को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं
हम देख चुके हैं थोड़ी देर पहले ही वेक्टर सी डॉट सी को सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी कॉस थीटा। कितना इजी है ये, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी कॉस थीटा। सिर्फ करते जाओ, रूल लगाते जाओ और कुछ भी नहीं है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। थीटा वेक्टर ए वेक्टर बी, ये हमारा डायग्राम था, थीटा एंगल पे दो वेक्टर हमने लिए थे ट्रायंगल फॉर्म में, तो ये हमारा कोसाइन का नियम हो गया। ये क्या है, इट इज द लॉ ऑफ ट्रायंगल्स कोसाइन। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज त्रिभुजों का कोज्या का नियम। क्या कहते हैं इसको, त्रिभुजों का कोज्या का नियम, कोसाइंस रूल ऑफ कोसाइंस ऑफ ट्रायंगल। कितना इजी था ये, बहुत ही आसानी से करते चले जाओ करते चले जाओ, कुछ भी नहीं। अब इसमें थर्ड वाला एप्लीकेशन देखेंगे, थर्ड फिजिकल एप्लीकेशन हम इसका देखेंगे। थर्ड फिजिकल एप्लीकेशन क्या देखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। क्या देखेंगे हम, तल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। बहुत ही सिंपल है इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, बहुत ज्यादा। तल का समीकरण हम देखेंगे, तो तल के समीकरण में हम क्या करेंगे, पहले तो हम वेक्टर ले ले रहे हैं भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, तल बना लो, एक तल का देख रहे हैं तो तल बना लो, यानी कि ए हो गया, बी हो गया, सी डी, हमारा क्या हो गया, एक तल हो गया, ठीक है, जिसपे वेक्टर खड़ा होगा। तो ये हमारा तल हो गया, हमने इस पे क्या लिया, हमने इस पे वेक्टर ले लिया आर, और वेक्टर पी मान लेंगे हम, कोई पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा इसको नीचे बना लेते हैं, ए बी सी डी, एक पॉइंट ले लिया हमने पी, और वहां से एक पॉइंट ले लिया कोई भी, वहां से हमने दो वेक्टर ले लिए तल पे, एक हमने ले लिया वेक्टर आर और एक हमने ले लिया वेक्टर पी। ये हमारा तल है, तल का जब हम समीकरण निकालेंगे तो हमने तल पे कोई भी दो वेक्टर ले लिए, कहीं भी ले सकते हैं हम तल पे, यहाँ पे ले सकते हैं, इधर से ले सकते हैं, उधर से ले, क्योंकि ये बाहर नहीं है तल के, ये तल है, तल के ऊपर लिए हैं हमने, इस तरह से डायग्राम में नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ये तल के ऊपर हैं, तल के ऊपर हमने दो ले लिए वेक्टर, दोनों के बीच का हमने कोई एंगल मान लिया थीटा, दोनों के बीच का एक एंगल ले लिया हमने थीटा, वेक्टर पी वेक्टर आर दो वेक्टर ले लिए, और दोनों की हमने क्या कर दी, जो मैग्नीट्यूड वाली डिस्टेंस है, परिणामी वाली रिजल्टेंट वाली जो डिस्टेंस है उसको मिला दिया, और पॉइंट मान लिए हमने उसके, कुछ भी मान लिए, एस टी दो पॉइंट मान लिए। तो इस तरह से हमारा हो गया ये। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो हमारी ये वाली जो लाइन, हमने ओ पॉइंट ले लिया था मान लो यहाँ पे, तो ओ एस, ओ एस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ओ एस इक्वल टू हो जाएगा हमारा ओ टी कॉस थीटा। जब हम ओ एस को, इसको जब हम लेंगे ओ एस को, कौन से वाले पे, जब हम इसको इसके रेस्पेक्ट में लेंगे, किसके, वेक्टर आर की डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में, यानी कि टेकिंग वेक्टर पी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर का आर, और क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी वेक्टर पी, हाँ कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, आर कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम वेक्टर का, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम दोनों वेक्टर का, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमारा क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो पी इक्वल टू आर कॉस थीटा हमारा हो जाएगा अगर हम इसको इस फॉर्म में लेंगे, क्योंकि
इक्वल टू आर कॉस थीटा है, अगर हम लेंगे इसको पी आर पी आर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस थीटा, या तो हम इधर क्या करते हैं मल्टीप्लाई आर बोथ साइड, एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं इसको बनाने का, जैसे कि लेट पी इक्वल टू हमारा पी वाला कंपोनेंट एस के सापेक्ष में पी कॉस थीटा हो गया, पी का कंपोनेंट एस के सापेक्ष में पी कॉस थीटा, और हमारा पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि जो पी आर कंपोनेंट है, अगर हम इस डिस्टेंस को बहुत ही मिनिमम माने, हम इतना मिनिमम माने हैं कि ये दोनों आसपास हो, तो हमारी ये डिस्टेंस पी और आर लगभग सेम हो जाएंगी, और पी और आर डिस्टेंस इफ एस टी इज वेरी वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि एस टी जो है वो लगभग जीरो जैसी ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा पी इक्वल टू पी लगभग इक्वल टू हमारा आर के हो जाएगा, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस हमारी लगभग सेम हो जाएंगी और थीटा लगभग जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में चूंकि हम करते नहीं है, तो उसको इजी बनाने के लिए, दोनों डिस्टेंस को इक्वल जैसा मानने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से मान लेते हैं, जिससे कि हमारा ये पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर कॉस थीटा हो जाता है, यानी कि हम आर को पी लिख सकते हैं, पी को आर लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा आर को पी लिख सकते हैं, पी को आर लिख सकते हैं, तो पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर कॉस थीटा बन जाता है हमारा पी आर कॉस थीटा, और यही पी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं वेक्टर पी डॉट वेक्टर आर इक्वल टू पी आर कॉस थीटा। ये हमारा वो वाला रूल भी है सेम जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो हम तल के समीकरण को सिंपल ले सकते हैं, एक तल है हमारा, ये एक पॉइंट हो गया, यहां से हमने एक वेक्टर मान लिया पी, एक वेक्टर मान लिया थीटा डिग्री पे आर, और इसका हम जब वेक्टर पी आर का जब हम वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ये सबसे सिंपल तरीका हो गया, इसका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना हो जाएगा पी आर कॉस थीटा, इतना ज्यादा झंझट की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर देना इस तरीके से, ये डायरेक्ट हो जाएगा पी आर इक्वल टू पी आर कॉस थीटा, और ये हमारा क्या बन जाएगा वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी इक्वल टू पी आर कॉस थीटा, और ये हमारा लेट वेक्टर पी इक्वल टू वेक्टर आर, इससे हमारा ये बन जाएगा, और हमारा ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू पी आर कॉस थीटा। सिंपल ये हो गया हमारा तल का इक्वेशन, चाहे तो ऐसे निकाल लो। अब चूंकि आर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू आर एक्स आई प्लस का आर वाई जे प्लस का आर जेड के, और यहां से हम क्या ले सकते हैं पी को हम ले सकते हैं वेक्टर पी को पी एक्स आई प्लस का पी वाई जे प्लस का पी जेड के, सेम हम कर चुके हैं पहले भी। तो ये इस तरह से हम कंपोनेंट थ्री डायमेंशन में ले लेंगे, इनके थ्री डायमेंशन में लेके हम फिर वही रूल लगाएंगे पी स्क्वायर इक्वल टू क्या क्या होता है हमारा पी डॉट आर वेक्टर, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं पी एक्स आई कैप प्लस का पी वाई जे कैप प्लस का पी जेड के कैप, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे आर एक्स आई कैप प्लस का आर वाई जे कैप प्लस का आर जेड के कैप, सेम रूल लग जाएगा। कौन सा वाला रूल लग जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर वाला, ये रूल लग जाएगा। ठीक, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा पी डॉट आर
वेक्टर पी डॉट आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, पी एक्स डॉट आर एक्स प्लस का पी वाई डॉट आर वाई प्लस का पी जेड डॉट आर जेड, सिंपल ये हो जाएगा हमारा। तो ये हमारा हो जाएगा पी एक्स, क्योंकि हम जो है इसको हम एक्स की डायरेक्शन में मान रहे हैं, हम डिस्टेंस मान रहे हैं इसको। अगर हम इसको डिस्टेंस मान लें एक्स की डायरेक्शन में तो एक्स ले सकते हैं, वाई की डायरेक्शन में डिस्टेंस माने तो वाई ले लेंगे। अगर इसको हम एक्स की डायरेक्शन में डिस्टेंस माने तो एक्स ले लेंगे, वाई की डायरेक्शन में डिस्टेंस मानेंगे वाई ले लेंगे, जेड की डायरेक्शन में डिस्टेंस मानेंगे तो जेड ले लेंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, एक्स पी एक्स प्लस का वाई पी वाई प्लस का जेड पी जेड। इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, चाहे इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों एक ही बात है, बस वो डायरेक्शन है उनका, जब मैग्नीट्यूड दिया जाएगा तो उसमें भी उतना ही होगा इसमें भी उतना ही होगा। एक्स पी एक्स लिख सकते हैं, एक्स पी वाई एक्स पी जेड। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जेड पी जेड फॉर्मूला यही लगेगा। सेम सेम का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं सेम वेक्टर का तो कितना हो जाता है, वो हो जाता है हमारा उसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, एक्स पी एक्स वाई पी वाई प्लस का जेड पी जेड, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन निकल आया। इसी को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल ज्योमेट्री में तल का समीकरण, क्या कहते हैं इसको, तल का समीकरण। इसमें एन एनालिटिकल ज्योमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री मतलब हम एनालिसिस कर रहे हैं ज्योमेट्री की फॉर्म में, एनालिटिकल ज्योमेट्री ये हो गए एप्लीकेशन, फिजिकल एप्लीकेशंस। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करें।